उधम सिंह नगर में कोलकाता कांड, रेप के बाद नर्स की हत्या, जघन्य कांड का खुलासा, एक दरिंदा गिरफ्तार। एक तरफ पूरे देश में कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी को लेकर उबाल है, तो दूसरी तरफ उधम सिंह नगर में एक ऐसा मामला सामने आया जो कोलकाता कांड की तरह है। इस मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। उधम सिंह नगर पुलिस ने एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया जिसने सनसनी पैदा कर दी है। 30 जुलाई को गायब हुई युवती के केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि जिले से एक नर्स के साथ लूटपाट के बाद उससे रेप किया गया और मौत की घाट उतार दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। वो लगातार हमने उसके बाद जो है टेक्निकल और इनके आधार पर काम कर रहे थे। इसी के दौरान 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उस मकान, उसका महिला का जो मकान है उससे भी आगे 1.5 किलोमीटर के बाहर तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली यूपी पुलिस की। बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली झाड़ियों में लाश मिलने का, तभी तरीत हमारे को क्लिक था कि भाई ये संभवतः उसकी हो सकती है। तो हमारी पूरी पुलिस टीम ने अभी ये नहीं देखा कि ये उत्तर प्रदेश का घटनास्थल है। हमने पूरी पुलिस टीम पूरी तत्परता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ सारे मानव संसाधन वहां लगा दिए, तो जैसा अंदेशा था वैसा ही हो गया, वो लाश उस महिला का ही निकला। अब आपको पूरा मामला तफसील से बताते हैं। दरअसल पुलिस ने बताया कि इस मामले में रुद्रपुर कोतवाली में 31 जुलाई को मृतक की बहन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू। उसके बाद जो कुछ सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। गुमशुदा महिला की लाश 8 अगस्त को यूपी के बिलासपुर जिले में डिबडबा के पास झाड़ियों में मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद महिला की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया। अलग टाइप का केस है, उसकी सारी सामान मिसिंग है। घटना तो कुछ और ही है, कुछ और चीज हुआ है इसके साथ, वारदात हुआ है करके, मतलब संभवतः हत्या तो हुआ ही है करके उसी मंशा से हम चल रहे थे। तो इसी बीच में हमको बहुत अच्छा लीड मिला हाल ही में, जिसमें महिला का फोन चल गया है। उस महिला का फोन राजस्थान में चलने की सूचना मिली और बहुत शातिर अपराधी है, कभी स्विच ऑन करता था, कभी स्विच ऑफ करता था। और इसी दौरान हमको एक व्यक्ति भी दिखा गहन अध्ययन पर, हमको सीसीटीवी में जो है, जो महिला जब चल रही थी उसके काफी देर बाद पीछे से एक और व्यक्ति जाता हुआ दिखा। उसको हमने संदेहास्पद नजर से देखना शुरू किया, उसको हमने प्राइम सस्पेक्ट माना, उसकी ट्रेस आउट किया। तो इस प्रकार मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर तो हमने आखिरकार उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका नाम है धर्मेंद्र, मूल रूप से बरेली का रहने वाली है, मजदूरी का काम करता है, दिहाड़ी मजदूरी और लेबर का काम करता है, बेसिकली लकड़ी और बल्ली पंटी का काम करता है। मृतक रुद्रपुर की निजी हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। 30 जुलाई को नर्स हॉस्पिटल से बिलासपुर जाती दिखी थी। नर्स के बिलासपुर में नहीं पहुंचने से मचा हड़कंप। 31 जुलाई को मृतका की बहन ने एफआईआर दर्ज कराई। नर्स की तलाश में पुलिस की टीमों को लगाया गया। 8 अगस्त को महिला का शव यूपी के बिलासपुर में मिला। महिला के साथ रेप और गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। महिला का शव मिलने और पोस्टमार्टम में दरिंदगी का खुलासा होने के बाद पुलिस को तलाश थी उस दरिंदे की जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध युवक दिखाई दिया जो महिला के पीछे पीछे जाता हुआ दिख रहा था। इसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमें यूपी, हरियाणा और राजस्थान रवाना की गयी। पुलिस को संदिग्ध की लोकेशन राजस्थान मिली। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति धर्मेंद्र और उसकी पत्नी खुशबू को राजस्थान के जोधपुर से हिरासत में लिया और उन्हें रुद्रपुर लेकर आए। यहाँ पुलिस पूछताछ में धर्मेंद्र ने अपना जुर्म कबूल किया। ये इस महिला को जानता भी नहीं है, ना पहचानता है, ना पहले से पूछा गया है, कुछ भी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं। उस दिन शाम को वो नशा करके बैठा हुआ था रोड साइड वहां पे बिलासपुर में, जब महिला अपने आप जा रही थी तो काफी देर बाद ये भी पीछा करते चला गया। केवल वासना का शिकार होते हुए उसने ये देखा अकेली रोड पर, सुनसान जगह पर डिबडीबा में महिला जा रही है, पीछा करता हुआ गया। उसका जो वासना की मतलब इसमें आकर और लूट करने के इरादे से उस महिला को घसीटते हुए झाड़ियों के पास ले गया। उसने बहुत प्रोटेस्ट किया महिला ने, महिला ने इसको लात मुक्का सब कुछ मारा। तो तब जाके इसने उसका सर पटक के उसका, उसी का चुन्नी होता है, उस स्कार्फ बोलते हैं ना जो महिलाएं जो ऑफिस में काम करने के लिए यूज करते हैं, तो उसी का स्कार्फ से उसका गला घोटा, बर्बरता रूप से गला घोटा, उसको बलात्कार किया, इस प्रकार ब्रूटल रेप करके मर्डर को अंजाम दिया। आरोपी ने बताया कि 30 जुलाई की शाम को उसने महिला को वसुंधरा कॉलोनी जाने वाली सड़क पर अकेला देखा था। उसके बाद उसकी नियत खराब हो गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर महिला को जबरदस्ती झाड़ियों में ले गया, जहां पर उसने महिला के साथ में रेप करने का प्रयास किया, लेकिन जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसका सिर सड़क पर पटक दिया और फिर उसके साथ रेप किया। रेप के बाद आरोपी ने चुन्नी से ही महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी।
अब आरोपी कानून के शिकंजे में है। कानून उससे अपनी तरह से निपटेगा, लेकिन देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं।